फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा जो प्रत्येक पंचायत में कैंप लगाकर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म भरा जा रहा है, जिसके तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। जिन लोगों का ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक अप्लाई होने के साथ अप्रूव भी कर लिया जाता है, तो उन महिलाओं को 15 अगस्त तक जो है उनके बैंक खाते में सहायता राशि भेज दी जाएगी। तो कैसे इसका ऑनलाइन आवेदन करना है, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। साथी दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री सम्मान योजना का बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। मैंने इस पोर्टल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके इस पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। जब आप लोग इस पोर्टल पे आ जाते हैं तो ऊपर में जो देख रहे हैं प्रज्ञा केंद्र लॉगिन का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सीएससी के लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने यूज़र आईडी को इंटर करेंगे, आप लोग का सीएससी का पासवर्ड क्या है पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा यहाँ पे जैसा है उसी तरह के कैप्चा को फिल करना है एंड साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप लोग यहाँ पे जो है पुनः सीएससी आईडी को इंटर करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे री वेरीफाई सीएससी आईडी पे क्लिक करना है। अब आप लोग के सामने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जो है आप लोग का डैशबोर्ड खुल जाता है। जब आप लोग का डैशबोर्ड खुल जाता है, अब आप लोग किसी का अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे जो देख रहे हैं इंटर आधार का एक ऑप्शन मिल जाता है साइड बार में, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक पॉपअप नज़र आएगा आरडी सर्विस डिस्कवर सक्सेसफुली का, तो इस वाले पॉपअप को ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर उनके आधार नंबर को इंटर करना है जिनका आप लोग आवेदन करने वाले हैं। आधार नंबर भर लेने के बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन रहता है यानी कि इससे संबंधित कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ देना है। अब नीचे आना है, यहाँ पे कंसेंट देना है। कंसेंट दे देने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं कैप्चर बायोमेट्रिक का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब आप लोग के मंत्रा डिवाइस में जो है लाइट जल जाता है तो वहाँ पर फिंगर देना है। फिंगर जब आप लोग का सक्सेसफुली सक्सेस हो जाता है तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे साइड बार में देख रहे होंगे यहाँ पे कैमरा का जो है अलाउ मांगा जाता है, तो इसको अलाउ कर देना है। अब आप लोग देखेंगे कि जिनका आप लोग आवेदन कर रहे हैं उनके आधार में जैसा डिटेल्स दिया गया है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता है। अब जो जो यहाँ पे नहीं भरा है यानी कि जो कॉलम खाली है सिर्फ उसी को भरना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो खींचे में जो कैप्चर का एक ऑप्शन है यहाँ पे जो है क्लिक करके आप अपने फ़ोटो को यहाँ पे सेट कर लेंगे चारों ओर से, यानी कि यहाँ पे आप अपने फ़ोटो को जो है लाइव फ़ोटो एक ले लेंगे। जैसे ही फ़ोटो को आप लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे थर्ड में जो देख रहे हैं खींची गई तस्वीर में जो है आप लोग का फ़ोटो यहाँ पे सेट हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे आना है, नीचे यहाँ पे थाने के नेम को इंटर करना है यानी कि आप लोग का पुलिस स्टेशन क्या है पुलिस स्टेशन को यहाँ पे भरना है। उसके बाद आप लोग का डिस्ट्रिक्ट क्या है यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रखंड या फिर शहर के नेम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग का पंचायत क्या है यानी कि अपने पंचायत के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। चार नंबर पर यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र संख्या को भरना है यानी कि अपने वोटर आईडी कार्ड के संख्या नंबर को भरना है एंड नेक्स्ट में यहाँ पे आप अपने खाता संख्या को भरेंगे यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में पूछ रहा है खाता आधार लिंक है अथवा नहीं है। यदि आप लोग का खाता जो है आधार लिंक है तो यस पे टिक करेंगे, अदरवाइज नो को टिक करना है। उसके बाद आठ नंबर में बैंक का नेम शाखा सहित, तो आप लोग का बैंक कौन सा बैंक है बैंक का नेम यहाँ भरना है एंड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है शाखा का नाम। नेक्स्ट में यहाँ पे आईएफएससी कोड को इंटर करना है। उसके बाद 10 नंबर में यहाँ पे आप अपने राशन नंबर को यानी कि राशन कार्ड नंबर को यहाँ पे भरेंगे एंड आप लोग का यहाँ पे नेक्स्ट में 11 नंबर में देख रहे होंगे पैन कार्ड संख्या। यदि आप लोग के पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे भर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है ऑप्शनल है, तो जिनके पास पैन कार्ड संख्या है वो यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट में कोटी पूछा जा रहा है यानी कि आप किस कास्ट से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो जो भी कोटी में आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोग का जन्म तिथि और आयु जो है ऑटोमेटिक पहले से ही सेलेक्ट रहता है तो इसको कुछ करना है नहीं। अब यहाँ पे आवेदिका का पहचान चिन्ह को भरना है यानी कि जिसका आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका कहीं कट मार्क है या फिर तिल वगैरह है तो यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट में यहाँ पे आवेदिका के मोबाइल नंबर को भरना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आवेदिका विवाहित है, यदि है तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे टिक करना है।
नेक्स्ट में यहाँ पे 18 नंबर में पूछ रहा है कि आवेदिका की स्थिति विधवा है, तलाकशुदा है, या फिर परित्यक्ता है, या फिर लागू नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये सब में जो भी है आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट में संलग्न प्रमाण पत्र में आप लोग क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पे बॉक्स को टिक करना है। जैसे आप आधार कार्ड का छाया प्रति दे रहे हैं तो बॉक्स को टिक करना है। उसी प्रकार से यहाँ मतदाता पहचान पत्र में भी टिक कर लेना है, बैंक पासबुक में भी यहाँ पे टिक करना है, पैन कार्ड को भी टिक कर लेना है। यदि पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो पैन कार्ड के वाले बॉक्स को नहीं टिक करना है। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे राशन कार्ड वाले बॉक्स में भी टिक कर लेना है। उसके बाद सब घोषणा पत्र वाले बॉक्स में भी टिक कर लेना है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जो मैक्सिमम 100 KB तक का होना चाहिए, चाहे वो JPEG हो, PDF हो, ये सब आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। तो आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो चूज फाइल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब आप लोग अपने फाइल में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। तो हम यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को एक करके अपलोड कर लेते हैं। जब आप लोग भी सारे डॉक्यूमेंट्स को एक करके अपलोड कर लेते हैं तो थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आप लोग को डिक्लेरेशन मिल जाता है, यानी कि घोषणा करने के लिए बोला जाता है, जिसमें यहाँ पे एक बॉक्स रहता है। तो इस बॉक्स में कंसेंट देना है, यानी कि बॉक्स को टिक करना है एंड उसके बाद अप्लाई करना है। याद रखना है कि अप्लाई करने से पहले एक बार रिचेक कर लेना है, कहीं भी मिसमैच नहीं करना है। मिसमैच से यदि कर देते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सभी को एक बार रिचेक कर लेना है। रिचेक कर लेने के बाद यहाँ पे जो अप्लाई का एक आइकन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस आ जाता है। तो फॉर्म को आप लोगों ने जो फॉर्म अभी सबमिट करा उसको देखने के लिए यहाँ पे जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे जो डिटेल्स का आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। अब आप लोग देखेंगे कि आप लोग का जो है एक रिसिप्ट यानी कि स्लिप जनरेट हो जाता है, जिसको आप लोग प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जो है ऑनलाइन किस तरह से आवेदन किया जाता है। वीडियो यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इसी तरह का हमेशा के लिए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।